जिले के हेलीपैड पर अब आर्मी के हेलीकॉप्टर उतारे जाएंगे और इसके लिए जिले के 13 हेलीपैड का दायरा बढ़ाया जा रहा है और जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है। आपको बता दें, कुछ साल पहले भी जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेना के अधिकारी ने हेलीपैड के बारे में बातचीत की। डीसी डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि जिले में हेलीपैड की लैंडिंग के लिए 13 साइट चिन्हित की गई हैं, जिसमें ट्रायल लैंडिंग फेज वाइज किया जा रहा है। जोड़ा के जोहर नाहन में भी सफल लैंडिंग की जा चुकी है। जिला सिरमौर में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हमने 23 साइट आइडेंटिफाई की हुई है, जिसमें ट्रायल लैंडिंग फेज वाइज सरकार से हो रही है। अभी जो हमारा जुदा के जोड़ में हेलीपैड है, वहाँ पे जो ट्रायल लैंडिंग है वो कामयाब हो चुकी है, क्योंकि बार बार हमें नाहन में आर्मी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, उनकी जो परमिशन है चंडी मंदिर से आती थी। यहाँ पे ट्रायल लैंडिंग होने के बाद अब कोई भी जो चौपर है यहाँ पे लैंड कर सकता है। इसके अलावा रेणुका माता जी के जो मेला होता है, पिछले साल हमने बिरला में एक हेलीपैड का निर्माण किया था, वहाँ पे भी लैंडिंग हो चुकी है। जो क्वाकधार में हमारा हेलीपैड है उसकी एक्सटेंशन होनी है, उसमें जो एनपीवी का पैसा है रेस्ट डिपार्टमेंट के पास जमा हो चुका है और जल्द ही उसमें कार्य आरम्भ हो जाएगा। बाकी जो हमारी साइट्स आइडेंटिफाइड हैं वहाँ पे भी फेज मैनर में ट्रायल लैंडिंग करवाते हैं। डीसी ने बताया कि दरअसल बार बार हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब नाहन में हेलीपैड पर कोई भी चॉपर लैंडिंग कर सकता है।